आज आदरणीय वशिष्ठ भाई ने जनता दल यूनाइटेड के हिस्से में जो 16 सीटें महा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के द्वारा मिला था वो 16 सीटों के लिए सूची जारी कर दी थी। एक तरफ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए में आप लोगों ने देखा कि सीट बंटवारे से लेकर उम्मीदवारों के चयन तक कोई परेशानी नहीं है, पूरी एकजुटता है, पूरी सहमति है। और दूसरे तरफ आप सभी लोग देख रहे हैं कि महागठबंधन में सिर्फ फुटवल, कौन कोई सिंबल लेके भाग रहा है, कोई टिकटे लेके भाग रहा है, कोई कुछ भाग रहा है। ये हालत अगर चुनाव के पहले सीटों के बंटवारा का है तो चुनाव के बाद क्या होगा। तो इसलिए और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का लक्ष्य है, पिछले 2019 के चुनाव में हम लोग 39 सीट जीते थे, इस बार हम लोग जो एक सीट हार गए थे उसको भी जीतेंगे। और इस बार हम लोगों का लक्ष्य 40 का 40 सीट का लक्ष्य है। और फिर से इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बनाने के लिए बिहार की जनता का समर्थन प्राप्त है। आप सबको मालूम है कि नीतीश कुमार जी ने पिछले 18-19 वर्षों में जो काम किया है उस काम के प्रति आज भी बिहार की जनता का आकर्षण का केंद्र आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं और बिहार की जनता का व्यापक जन समर्थन है। और उस जन समर्थन के बल पर फिर से हम लोग 40 का 40 सीट जीतेंगे, जीतेंगे और हर हालत में जीतेंगे, ये हम लोग को पूर्ण विश्वास है। हर गृहिणी का ये सपना स्वस्थ परिवार हो अपना। तीन सहेलियां जो कि गृहिणी हैं और जिन्होंने बहुत करीब से अपने परिवार की जरूरत समझी है, उसी सपने को साकार करने के लिए आप लोगों के बीच भावना कच्ची घानी सरसों का तेल लाई है। शुद्धता ही हमारी पहचान है और हम आपसे वादा करते हैं कि मिलावट की कोई गुंजाइश नहीं होगी। कोहलू द्वारा निर्माणित सरसों के तेल के कई फायदे हैं, जैसे कि खराब कोलेस्ट्रॉल ना बढ़ना, आपको हेल्दी रखना और इसे शरीर की मालिश के लिए भी उपयोग किया जा सकता है। हमारे पूर्वजों ने भी इसका खूब जमकर सेवन किया है। आप भी अपना भरोसा रख कर भावना कच्ची घनी सरसों तेल का एक